नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार, एक नेचुरोपैथ, तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद प्राकृतिक चिकित्सालय का यह वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम जो टेस्टिकुलर टोर्शन है उसका प्राकृतिक इलाज कर सकते हैं बिना सर्जरी से। देखिए, जैसे जैसे लाइफस्टाइल लोगों का खराब हो रहा है, बहुत सारी नई नई समस्याएं आ रही हैं। जैसे जैसे हम बिजी हो जाते हैं अपनी केयर ना करने में, तो बहुत सारी स्थितियां आ जाती हैं। मेडिकल लाइन में जो आपका है टेस्टिकुलर टॉर्शन, उसे मेडिकल इमरजेंसी कहा जाता है। बट नेचर के रास्ते में यह मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। तो एक और वीडियो है, उसको कार्ड में देख लेना, कौन सी मेडिकल इमरजेंसी नेचुरोपैथी मानता है और कौन सी मेडिकल इमरजेंसी नेचुरोपैथी नहीं मानता। ओके, तो बात शुरू करने से पहले फंडामेंटल इसको सीख लेते हैं, क्या होता है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। उससे पहले उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्यों होता है। देखिए, बहुत अद्भुत क्रिएशन है उस पिता परमात्मा की हमारे शरीर में। हमारे शरीर में यहाँ सात धातुएं बनती हैं। जो सातवीं धातु होती है उसको एक स्टोर में रखा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडकोश, मेल में। और इसमें दो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, जिसमें स्पर्म्स उस परमपिता परमात्मा ने कलेक्ट किए हुए हैं, ताकि यह संसार है जो चलना चाहिए उसके बीज इसमें है। तो इसका टोशन कैसे हो गया, इसमें घुमाव कैसे हो गया? तो इसका घुमाव का बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया है, ओके, नंबर एक रीजन एक्सीडेंट हो गया है, वो एक्सीडेंट में चोट लगी है और सुकृत हो गई है, इसको क्या कहते हैं, सिम्पटोमेटिक कोड। इसमें ही वेन्स हैं, आर्टरीज हैं और इसमें नर्व्स हैं, जो कि पेट से इस टेस्टिस को या टेस्टिकल्स को शक्ति पहुंचाते हैं, ओके, खून के माध्यम से। तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है, इसमें हल्का सा घुमाव आ जाता है, रोटेशन आ जाती है, जिससे ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ओके, तो इसके अलावा हो ये भी सकता है कि बचपन में आपके माता पिता के जो पावर है उसमें कोई डिफेक्ट हो, उनके लाइफस्टाइल में डिफेक्ट हो, और जन्मने वाली जो संतान है उसमें यहां ज्वाइंट ना हो, तो भी वो आसानी से घूम सकता है। आपको पता है ना, एक होता है आपका, क्या कहा मैंने, अंडकोश, उसमें वर्षण है, उसमें टेस्टिस हैं, तो वो आपस में ज्वाइन हुए पड़ते हैं, कईयों के नहीं होते, तो वो घूम सकते हैं फ्रीली। ओके, तो दूसरा कारण तो यही हो गया। तीसरा कारण ये हो सकता है, लाइफस्टाइल में मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं, खान पान, ये खाना वो खाना, बाहर की चीजें खाना, और बहुत ही टाइट कपड़ों को डाल के रखना, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या है कि इसमें रोटेशन आ गई है, इस टेस्टिस में रोटेशन आ गई है। ओके, दोनों में आ गई, एक में आ गई है, बेसिकली एक में आती है। अब डॉक्टर की परिभाषा में क्या कहते हैं इसको, अगर कोई एलोपैथी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता, वो कहता है कि भाई इमरजेंसी है, अगर हो गया तो हो गया, अदरवाइज यही आपको गैंग्रीन पैदा कर देगी, इसको निकाल दूं। बट हम जो नेचुरली वे से कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें सिम्टम्स क्या है। आपको बहुत ज्यादा पेन होगा टेस्टिस में अचानक, ओके, तो यहां से पता लग जाता है कुछ तो नुक्स है, या हाइड्रोसील है, वेरिकोसील है, आपको ट्यूमर हो गया है, आपको कैंसर हो गया है, कुछ तो है इसमें। ओके, तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, आजकल टेस्ट हैं बहुत सारे। बट उससे भी पहले
उससे भी पहले जब आपको टेस्टिकुल का पेन हुआ है तो अपना ट्रीटमेंट उसी टाइम ही स्टार्ट कर दीजिए, जब आपको आपको इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि क्या हुआ है, सिर्फ पेन हुआ है, टेस्टिकुलर पेन। ओके, जब इंफॉर्मेशन आएगी उसके बाद हम अगला रास्ता चुन सकते हैं। नेचुरल वे में यही ट्रीटमेंट है। ओके, सबसे पहले स्ट्रोंग योर बिलीफ सिस्टम। देखिए, आदमी का जो बिलीफ सिस्टम है दो हिस्सों में अब बढ़ चुका है। आज से 200 साल पहले एलोपैथी की खोज हुई थी। ओके, और 200 साल में मनुष्य का जो टोटल बिलीफ सिस्टम है वो शिफ्ट हुआ नेचर से, कहां पे, एलोपैथी मेडिसिन में, उसकी सर्जरी में जो आजकल की मॉडर्न साइंस के बेस पे होता है। वो दूसरा है ट्रेडिशनल, जो हमारे भारतीय प्राचीन ऋषि मुनियों ने खोजा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और उसके विज्ञान, नस नाड़ियों के विज्ञान, हड्डियों के विज्ञान, उसको कैसे जोड़ा जाता है, उसको कैसे घुमाया जाता है। ओके, तो अब आपने अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रोंग करना है। क्या स्ट्रोंग करोगे? जैसे ही आपको टेस्टिकल पेन स्टार्ट हुआ, अभी टेस्ट रिपोर्ट कराने नहीं गए, नेचर कैन हील इट आल्सो, नेचर हैज अल्टरनेटिव्स, मीन्स एलोपैथी मेडिसिन अपने आप में सोल मोनोपली नहीं है इसकी, ये आपको जानना चाहिए। इसकी कोई सोल मोनोपली नहीं है, इसके अल्टरनेटिव हैं, अल्टरनेटिव आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा से हर समस्या हल हो जाता है जो लाइफस्टाइल से पैदा होती है। ओके, जो सुबह उठे और मुझे टेस्टिकल पेन हो गया, इस तरह की समस्याओं को हल किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले अपना माइंड का ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आप डिपेंडेंट हो गए हो तो फटाफट आप अंग्रेजी दवाइयां खाने फार्मेस्ट के पास, प्राइवेट और देसी अस्पताल के पास चले जाएंगे, वो पेन को रोकने के लिए मेडिसिन देंगे, वही तो साइड साइड इफेक्ट्स करेंगे, इस समस्या को, इस रोटेशन को और ज्यादा बना देंगे। आए एक घुमाव हुआ था, उसको दूसरा घुमाव करने के लिए जो पेन को रोका उससे साइड इफेक्ट किया, वो मेडिसिन तो वहीं जा रही है पर असर नहीं करती, उसको साइड इफेक्ट है, उस दर्द को रोकना है उसने। ओके, अब दूसरा है बी स्ट्रॉन्ग टू से इट इज नॉट ए मेडिकल एमरजेंसी। ओके, अब आप कहोगे कि एलोपैथी, सारा एलोपैथी यही कह रहा है कि दिस इज ए मेडिकल एमरजेंसी, अगर नहीं करोगे, अगर उसको खोलोगे नहीं, आपके टेस्टिकल डैमेज हो जाएगा, डेड हो जाएगा। आपको यही कह रही है वो कि अगर इसको काटोगे नहीं, अगर टाइम ज्यादा हो गया, 4 घंटे से ज्यादा, इसको काटोगे नहीं, इस टेस्टिकल को नहीं निकालोगे, तो यही इंफेक्शन बढ़ जाएगी, यही ट्यूमर बन जाएगा, यही कैंसर बन जाएगा, यही घातक हो जाएगा, आपके गैंग्रीन हो गए, यही आपके प्राण भी ले सकता है, आपकी जान भी ले सकता है। तो उनके लिए आप यही शब्द दीजिए कि इट इज नॉट ए मेडिकल एमरजेंसी। ये मेरे हाथ में बीज हैं, किसके, गेहूं के, चावल के, छोले के। ओके, और ये हमेशा सूखे रहते हैं, इसमें कोई ताकत नहीं आती। अगर आपके रोटेशन में वो देख रहे हैं डॉक्टर, अगर वो अल्ट्रासाउंड करा लिया है, उसमें देख रहे हैं काफी हैं, तो वो समझे इसमें जान खत्म होने वाली है। ओके, मुझे ऑपरेशन करने दीजिए। तो आपने ये कहना है, देखो ये बीज है और इसमें अगर पानी में डाल दिया जाए तो ये पौधा बन जाता है। तो नेचर में इतनी शक्ति है, नेचर में इतनी शक्ति है, वो ऐसा कर सकती है। इवन आप अगर वीडियो भी देखोगे नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट, आपको इस कंटेंट के ऊपर कोई वीडियो भी नहीं मिलेगा, मैंने चेक कर लिया, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के ऊपर कोई बात भी नहीं करना चाहता। ओके, तो डिपेंड हो जाते हैं, तो बी अ चैलेंज एनर्जी, क्योंकि मोटर किसने बनाई, उस परमपिता परमात्मा ने। ओके, तो इसका अगर आपको लगता है कि इफ नॉट एक्सीडेंट, ठीक है, अगर ये एक्सीडेंट नहीं है, आपको लगता है कि मैं सुबह उठा, मेरे लाइफस्टाइल की वजह से ही यही हो सकता है या कोई और रीजन हो सकता है, एट दैट दिस टाइम इफ एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो भी गया है तो वो 15 दिन पहले हुआ होगा, 1 दिन पहले हुआ होगा, उस टाइम अगर आपको एक्सीडेंट हुआ है, उसको रेस्ट चाहिए, रेस्ट इज बेस्ट मेडिसिन, ना कि एमरजेंसी में दाखिल हो जाइए, वहां से रिपोर्ट आएगी भैया आपको टोशन हो गया। ओके,
रेस्ट है, बॉडी को टाइम तो दीजिए, वो अपने आप हील करेगी। नेचर इज मैजिक, क्योंकि नेचर में ऐसी शक्ति है, वो भोजन से खून बना सकती है, वो भोजन से हड्डी बना सकती है, वो नस नाड़ियों की अगर घुमाव है, आपको पता है कभी कभी पेट में भी ऐसी रोटेशन हो जाती है, दस्त आते हैं तो वो भी उसको ठीक कर देती है। कितने कितना पेट है, 40 फुट लंबी आंत है, वो भी सेट हो जाती है, जहां ढांचा वहीं खड़ जाती है, तो ये भी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट वन, नोट टेक एनी पेन किलर एंड इंजेक्शन। सबसे ज्यादा डैमेज जो करता है आपके उस रोटेशन को और बढ़ा देता है, उसमें एक जो टोशन उसको और साइज उसका घुमानदार बना देता है, वो होता है मेडिसिन और इंजेक्शन लगाना। दर्द हुआ है आपको, फटाफट इंजेक्शन लगाए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, अरे भाई उसको डायग्नोस तो करो क्या है, क्या है, उसके बाद उसका इलाज करेंगे। आप तो लग गए और डॉक्टर्स भी लग गए, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है, डॉक्टर का एलोपैथी का काम होता है मेडिसिन खिलाओ, समस्या बढ़ाओ, और नेचुरोपैथी का होता है कि मेडिसिन मत खिलाओ, समस्या घटाओ। ओके तो सेकंड, मैं ये स्टेप बता रहा हूं, बी स्ट्रॉन्ग टू से इट इज नॉट ए मेडिकल इमरजेंसी। ओके मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि 4 घंटे और कभी कब हुआ एक्सीडेंट, उस वक्त दर्द वो सहन किया, वो 4 घंटे तो खत्म हो गए, अब तो उसको डॉक्टर को ले लगाया इसको निकाल दें, अब उसमें ट्रोमा हो गया है, वो ट्रोमा हो, वो पस भर जाएगी, वो सब ठीक होगा नेचर से। लीफ पेन विद कोल्ड हॉट टब बाथ, अब कोल्ड हॉट टब बाथ से क्या होगा, उसको रिलीफ होगा, उसमें जो इन्फेक्शन है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं इसके लिए बहुत बढ़िया बता देता हूं, स्टीम बाथ, कि अपने बॉडी से टॉक्सिन निकालने का सिस्टम अगर वो टाइट हो गया है, उसको वापस अगर वो फ्रीली घूम सकता है, तो नीचे उसको शक्ति देगी, वो फ्रीली अपने वापस एरिया में आ जाएगा। ओके स्टीम बाथ, किसी भी नेचुरोपैथ हॉस्पिटल में जाइए, वहां स्टीम बाथ मिल जाता है, वरना ऑर्डर दीजिए नीचे लिंक में, वहां से आप ले सकते हो स्टीम बाथ। फिट क्रीम, मेरे पापा का इतना सूज गया था, सोज आ गई थी, इतनी सोज, और मैं फिटकरी के पानी में उनके पैर को रखता था जब उनका रोड एक्सीडेंट हुआ। तो फिटकरी एक ऐसी बहुत शक्ति है, उसका हल्का लाइटली उसको गर्म कर लीजिए, उसमें आप बैठ जाइए उस टब में, तो ये सोच खत्म कर देगी, इन्फेक्शन खत्म कर देगा, लाइटली वो अपने साइज में जो टोशन हुआ वो सीधा हो जाएगा, डिटोशन हो जाएगा। ओके टोशन हुआ है वो डिटोशन हो गया, हो जाएगा। ओके आप इसके लिए जो स्ट्रीम बात है कनेक्ट भी कर सकते हो ऑफलाइन के जो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, आप देख सकते हो, गूगल पे सर्च मार सकते हो। ओके स्ट्रीम बात लेने के लिए, इफ डायग्नोस एंड शोज एनी टोशन एनी साइड, अगर टेस्टिस में किसी साइड पे टोशन है, ठीक है, तो अब क्या स्टेप्स लेने हैं। फर्स्ट, चेंज योर लाइफस्टाइल फर्स्ट, चेंज योर लाइफ स्टाइल फर्स्ट। देखो इसमें क्या हो जाता है कि बॉडी में कॉन्स्टिपेशन बहुत होती है, कब्ज होती है, वो कहीं कहीं बाईपास करके आपके टेस्टिस में आ जाती है, और क्या हो जाता है जब वो घुमाव हो गया, घूम जाती है, तो उसको अकड़ जाना, जाम हो जाना, वो डस्ट जम जाता है, तो वो लाइटली अपने स्थान पे वापस, नेचर तो कोशिश कर रही है कि वो दोबारा घूमे, वो वापस अपने जगह पे, हमारी टेस्टिस जहां है वहां आ जाए, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, और नहीं होता तो क्या है कि इमरजेंसी कौन सी है, इमरजेंसी है डाइट प्लान की, आपको अपना कॉन्स्टिपेशन खत्म करना है, ना कि सोचना कि मुझे अभी फटाफट अपने टेस्टिस को निकाल देना है। ओके नो डॉक्टर इज गिव द गारंटी कि वो टोशन ऑपरेशन करने के बाद भी निकाल देगा, अगर देते हैं तो वो पूछ लीजिए उनसे क्या है, हाँ वो ये दे सकता है, अगर नहीं हुआ तो इसको निकाल देंगे, मीन्स भगवान ने 2 टेस्टिस दिए हैं, तो वन से वो इंक्रीज, वो शक्ति वो नहीं होती है, जो 2 से होती है, जब आप गृहस्थ में जाओगे, जब आप चाहते हो कि आपका बच्चा हो,
तो वो शक्ति नहीं रहती है। ओके, तो इसके अलावा वैसे भी इंसान की शक्तियां उसमें होती है वो कम हो जाती है। क्यों ना हम सेफ साइड चलें, एक अल्टरनेटिव लें। उसमें क्या है, 313 का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो आप, WJF, JJF, FFF, ये। और ऐसी चीजें मैंने वीडियोस बनाए, हाइड्रोसील, वैकोसील, तो उन वीडियोस को सिस्ट जो आपके टेस्टिकल्स में होते हैं उसकी वीडियोस, वीडियो लिंक में देख लीजिए। उसमें भी यही डाइट प्लान बनाया, और डॉक्टर उसमें भी यही कमेंट करते हैं, दिस इज मेडिकल इमरजेंसी, ऑपरेशन करवा लीजिए, आपका हाइड्रोसिल बहुत बढ़ गया, आपका वैकोसिल नसें बहुत फूल गई हैं। तो तब भी ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। 3 डेज वाटर पे रहना है, 1 दिन आप जूस पे रहना है, 3 दिन आपने फ्रूट्स पे रहना है, 7 डेज। अगर नहीं कर सकते वाटर पे, या किया नहीं आपका, 1 दिन खत्म हो गया, तो क्या है, JJF के 3 दिन आपने जूस पे रहना है, फिर 1 दिन जूस पे रहना है, फिर 3 दिन आपने फल पे रहना है, फिर FF यूज कर सकते हो। अगर जूस भी नहीं पिया जाता भाई, कुछ हैवी चाहिए, पेट को चाहिए, तो फ्रूट्स में आ जाइए 3 दिन, फिर 1 दिन फ्रूट्स पे, फिर 3 दिन फ्रूट्स पे, 7 दिन फ्रूट्स पे आ जाइए। ओके, कोई भी आदमी फास्टिंग से, वाटर फास्टिंग से आज तक नहीं मरा। मैं खुद 8 दिन वाटर फास्ट किया है, कुछ भी नहीं होता, नथिंग। उससे क्या है कि मशीन को टाइम मिल जाता है 7 डेज। ओके, अगर ऑफलाइन पे हैं आप 7 डेज भी वाटर फास्ट कर सकते हो। जैसे बीज में वो पानी में डाल देते हैं और अगले दिन देखते हो उसमें स्प्राउट हो जाता है, ऐसे ही आपकी वो जो रोटेशन हो गई है, जो टोशन आ गया है, वो खुल जाएगा, आपकी जिंदगी पेन लेस हो जाएगी, पेन फ्री हो जाएगी, वैसे ही आपकी सोच कम होने स्टार्ट हो जाएगी। उसमें अगर जान खत्म हो गई, ट्रोमा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वो उसमें नव जीवन आ जाएगा। उसके बाद है मसाज, स्टार्ट कीजिए हमारे खुद के ज्ञान मसाज। मेरे पास एक बुक है, आपको दिखाता हूं, इतनी मोटी किताब है, इसका नाम है वैज्ञानिक मालिश। हमारे विज्ञान को दबाया गया, मसाज थी, बहुत सारी जड़ी बूटियां तेल में डाली जाती थी और ऐसे कहीं भी रोटेशन हो जाता था, उसको सिर्फ 1, 2, 3 बार मालिश की जाती थी और वो सेट हो जाता था। और आज उसके ऑपरेशन से टेस्टिस निकाला जाता है, दैट इज ए शेम, बहुत शर्म की बात है। तो ऐसी मसाजें बहुत सारी, अगर किसी को बहुत पुरानी ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, कहीं कहीं आपको प्राचीन व्यक्ति मिल जाएंगे, तो उनको कौन कौन सी जड़ी बूटियां लगानी है, डालनी है, उनसे पूछ सकते हो। ओके, वरना मैं कुछ रिसर्च करके इसमें आपको बता सकता हूं। उसकी हल्के की मसाज कीजिए, वो लाइट हो जाएगा। अब इसका विज्ञान क्या है, मसाज से ये टोशन कैसे खुलेगा, मैं मोटी सी बात आपको बताता हूं। ओके, आपके पेच और नट टाइट हो जाते हैं, पेच लगाते हो टाइट हो जाते हैं, खुल भी जाते हैं, पहले पहले नया नया पेच और नट होता है, और जब उसमें क्या हो जाता है, उसमें स्प्रिंग या कुछ भी का घस गया तो जाम हो गया, कट लग गई, जंग लग गई, ऐसी आपकी लाइफस्टाइल खराब होने से वो टोशन में जंग लग गई। अब आप मसाज करोगे, तेल मालिश करोगे, पूरी बॉडी का तेल मालिश करोगे, उस जगह पे जड़ी बूटियों से जो भी हमारे ऋषि मुनि ने बताई थी उनकी तेल मालिश करोगे, धीरे धीरे वो ढीला हो जाएगा। जैसे मशीन के तेल से उसके औजार अच्छे काम करते हैं, वो ढीला हो जाएगा, तो ढीला हो जाएगा अपने आप ही, वो अपने काम पे आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ओके, दैट इज मसाज। इसके अलावा मसाज के नेचुरोपैथी सेंटर ऑफलाइन भी तो होते हैं, वहां भी आप जाके मसाज करा सकते हो। उसके बाद ये काम करने के बाद लर्न मैनुअल डिटोशन। अब मैनुअल डिटोशन हमने सीखना है, कैसे कर सकते हैं, देखो अभी मैंने कुछ सर्च किया है। एक होता है सर्जरी के द्वारा डिटोशन करना, मीन्स उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकलता नहीं, आप ऑपरेशन कर लिया, बीच में काला सा दिख रहा है, ये तो भैया गैंग्रीन हो गया, ट्रॉमा हो गया, डॉक्टर कहता है काटो इसको, ये इन्फेक्शन, ये पस बढ़ा देगा। नो, अब आपने क्या करना, मैनुअल डिटोशन करना, आपकी मसाज और मड थेरेपी भी आपने कर ली, उससे ये ढीला हो जाएगा हल्का हल्का। आप या आपके पेरेंट्स, ठीक है, जो या आपकी वाइफ जो भी है आपके घर में, धीरे धीरे उसको ऑपोजिट साइड में देखिए,
करके देखिए, और आपका 100% है कि आपको धीरे धीरे रिलीफ होगा कि उस साइड करने से मुझे रिलीफ होता है। तो उस बॉल को हल्का हल्का करोगे वो धीरे धीरे फूलने लग जाएंगे, वो खून का बहाव बहुत तेजी से होगा, वो एकदम आपका डिटोशन हो जाएगा, हो जाएगा। सिर्फ अभ्यास करना है, इट इज नॉट ए मेडिकल एमरजेंसी। उसके बाद फॉलो, कहता है तेल की चाबी है, ताले की चाबी बिना बना के बाहर से ताला खोला जाता है। देखिए एक बार मेरा ताला की चाबी गुम हो गई, अब देखो ये मेरे पास ताला है, अगर इसकी चाबी ये वाली गुम हो जाए, ये ताला लगा हुआ है, मींस इसको मैं टोशन कह सकता हूं। अब दो तरीके हैं, या तो इसको मैं तोड़ दूं और फिर इसको ठीक करके फिर इसको जोड़ दूं, ओके। पर इसको तोड़ने में इसके स्प्रिंग भी टूट जाएंगे, जैसे कि सर्जरी में होता है, उसके जो टेस्ट है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा तरीका मेरा क्या है कि वी नीड, आज की डेट में जितनी एडवांसमेंट एलोपैथी डॉक्टर सर्जरी के एक्सपर्ट्स सर्जन को दी जाती है, उतनी ही नेचुरोपैथी वो है आयुर्वेद को देनी चाहिए, एंड दे बिकम एक्सपर्ट्स कि मैनुअल टोशन, मैनुअल टोशन मीन्स ये ताले के अंदर है, जुड़ाव है, घुमाव है, ये इस चाबी से हमने बाहर से ट्राई कर करके, ये ट्राई कर करके एक चाबी बना दी और उसको एकदम लगाया लगाया, वो ताला खुल गया। ऐसी तो है टोशन, और क्या है टेस्टिकल का टोशन, क्या है, ऐसे ही है, मीन्स धीरे धीरे वो उसको अपनी जगह पे लगा देते हैं। अभी तक जो हड्डियां टूटे उनने वाले ऐसे तो व्यक्ति मैंने देखे हैं, बट उसको ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज हमें खुद इसको सीखना पड़ेगा, एक रिसर्च डिपार्टमेंट नेचुरोपैथी में बनाना पड़ेगा, ओके। तो ये काम अब मेडिकल एमरजेंसी नहीं रहेगा। उसके बाद फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य में बहुत ताकत है। गलत हस्तमैथुन करना, गंदी चीजें देखना, बार बार शरीर की एनर्जी को निकाल देना, वो कमजोर हो जाती हैं, और जो कमजोर हो जाती हैं उसका कोई पता नहीं है कि वो अंडकोश से टेस्टिस ढीली हो जाए, वो कभी भी घूम जाए। तो इसलिए अगर उसके बाद भी पता लगा है तो भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, ऊर्जा संचरित होती है, जैसे जैसे ऊर्जा का संचार हो जाएगा तो ये शक्ति है, इट इज नॉट अ जस्ट, ये स्पर्म या सीमन का बात नहीं है, ये एनर्जी, विटल एनर्जी का बात है, वो यही ठीक करती है, ओके। इसमें क्या है, नो हस्तमैथुन, नो लस्ट कंटेंट, नो अफेयर, ओके। अगर कहते हो इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद योग मेडिटेशन आसन, अंदर जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, जितना ज्यादा माइंड में टेंशन नहीं रहेगा, ओके, फियर नहीं आएगा, ठीक है, कि मेरा इमरजेंसी टाइम आ रहा है, तो वो मेडिटेशन, योग और आसन से ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी। उसके बाद है हमारे पास तुलसी है, नीम है, ग्लोए है, ठीक है, ये आपको अगर लगता है कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ट्रोमा है, ये सारी चीजों को काढ़ा पीते जाइए, 7 दिन 5 पत्ते तुलसी, नीम, पिपल, ग्लोए, वो ये स्वेलिंग भी खत्म कर देंगे, 5 दिनों के बाद पता ही लगेगा, नीचे अपने आप ही डिटोशन कर देगी। तो इस पत्तों को हमने इस्तेमाल करते थे, आज इनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो ये मैंने एक नेचुरल ट्रीटमेंट बताया, बिना सर्जरी से कैसे टेस्टिकल टोशन का इलाज कर सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूं, सबसे पहले स्ट्रोंग योर बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम नहीं होगा तो फटाफट ऑपरेशन थिएटर में हो जाएंगे, ओके, फटाफट टेस्टिस एक है दो है निकाल दो, निपुंसक बन जाइए। दूसरा है बी स्ट्रॉन्ग टू से इट इज नॉट ए मेडिकल एमरजेंसी, एक बार एक टाइम नेचर को दे दीजिए इसमें, क्योंकि अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तब भी, अगर एक्सीडेंट हुआ है तब भी, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं पता लगता, ठीक है, और उनके पास तो ऑप्शन है ना, कि अगर ये नहीं तो ये सही, ओके। अब पेशेंट को बाहर के ऑपरेशन थिएटर के बाहर कैसे भेजें, ओके, हमें से इसको खोल तो सके नहीं, टोशन को, टोशन खुलता नहीं और आगे काला हो गया। उसके बाद है कभी पेन किलर नहीं देना, पेन को कोल्ड और हॉट टब से बाथ करना, स्टीम बाथ करना, फिटकरी का बाफ लगानी है,
अगर डायग्नोस हो गया है, टॉर्शन है, बट 100% कोई टेस्ट पोस्ट रिपोर्ट से ये शो नहीं कर सकता कि टॉर्शन है, कोई ओरिजिनल कोई ट्रोमा है, ओके, कोई एक्सैक्ट मेरे फेस जैसी पिक्चर तो नहीं है, इस्टीमेट्स हैं, जस्ट इस्टीमेट्स, ओके। तो हमने क्या करना, तब भी अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, कब्ज नहीं होने देनी, कब्ज को ठीक करने के आसन करने हैं, एमरजेंसी डाइट प्लान दे दिया 313, उसके बाद मड थेरेपी करनी है, मसाज करनी है, मसाज से ढीला हो जाएगा आपका वो स्प्रिंग, ओके। लर्न मैनुअल डिटोर्शन करना है, और भी सीख लीजिए, गूगल से सीख लीजिए कि मैनुअल डिटोर्शन कैसे होता है, ओके। तो सीख सीख के धीरे धीरे उसको घुमा सकते हो, ओके। किसी साइड में आपका पेन ज्यादा है, कहीं कम होता है, जहां कम होता है वो खुल रहा है। फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स और ब्रह्मचर्या, योग मेडिटेशन आसन कीजिए, तुलसी नीम ग्लोए और जितने 5 पत्ते बताए वो आप उसका काढ़ा पीजिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर यह बीमारी या किसी और बीमारी का आपने पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 93582349325 9352349252। इंडिया से बाहर हो +91 लगा दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे कमेंट में ये लिखिए कि आप अभी कौन सा लाइफस्टाइल डिसीज जो विदाउट सर्जरी देखना चाहते हो इस चैनल पे, उसमें कमेंट कर दीजिए। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।